भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। ये आजकल की मम्मियां बच्चों को इतना क्यों पीटती है? कौन बोला कि पापा का मौका नहीं मिल पाता? आजकल की बच्ची मम्मियां बच्चों को इतना क्यों पीटती है? मैंने बहुत सोचा कि क्या मालूम भाई क्यों मारती हैं? उनका इसलिए मारती है आजकल की मम्मियां थोड़ी आधुनिक हो गई है। पहले घर में गुस्सा आता था, एक का गुस्सा दूसरे पे निकलता था, दूसरे का गुस्सा तीसरे पे निकलता था, तीसरे का गुस्सा चौथे पे निकलता था, पांचवें पे आते आते गुस्सा खत्म हो जाया करता था। लेकिन आज ऐसा समय नहीं है। आज पहले के समय जो महिलाएं थी उनको भी क्रोध आता। ध्यान रखना, क्रोध हमेशा नीचे वालों पे चलता है, ऊपर वालों पे कभी क्रोध नहीं चलता। क्रोध जब भी आएगा ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। घर में झगड़े होते हैं, व्यापार में झगड़े होते हैं, कोई सर्विस में रह रहा है, कोई सर्विस क्लास आदमी है, ऑफिस में यदि उसके बॉस ने उसे डांट दिया और उसे गुस्सा आ गया, घर आएगा सारा गुस्सा किस में निकलेगा? बोलो, कौन बोला? सेक्रेटरी पे निकलेगा। घर आएगा सारा गुस्सा पत्नी पर निकलेगा। और पत्नी ने सुना, सुबह से तो इंतजार कर रही हूँ, आते ही साथ भड़क गया। पत्नी का पारा भी चढ़ गया 1500 डिग्री पर। पति को तो कुछ कह नहीं सकती है, अब वो इंतजार करती है कि स्कूल से कब बेटा आएगा, उस पे सारा गुस्सा निकलेगा। पति का निकलता है पत्नी पर, पत्नी का निकलता है बच्चे पर। लड़ते पति पत्नी है, पिटता कौन है? बच्चा पिटता, उसकी पॉकेट में पिटाई हो गई, तुम आपस में लड़ाई झगड़े गए। अब बच्चे को भी गुस्सा आ गया, अब वो किसे मारेगा? मम्मी को मार नहीं सकता, पापा को मार नहीं सकता, वो अपना सारा गुस्सा नौकरानी पर निकालता है। अब नौकरानी क्या करेगी? वो मालिक के बच्चे को कुछ बोलती नहीं है, वो जोर जोर से बर्तन पे सारा गुस्सा निकाल देती है। ध्यान रखना, बर्तन ज्यादा साफ कराना हो नौकरानी को गुस्सा दिला देना। इतनी जोर जोर से साफ करेगी, इतनी जोर से रगड़ेगी, बर्तन चमकदार हो जाएंगे। बर्तन पे नहीं निकलेगा तो सारा गुस्सा कपड़े पे निकलेगा। ध्यान रखना, गुस्सा हमेशा नीचे वालों पर निकलता है, ऊपर वालों पर कभी गुस्सा नहीं निकलता। अपने से ताकत वाला कोई मिल जाए तो क्रोध पूंछ दबा के भाग जाया करता है। एक बार गामा पहलवान घर की छत पर एक्सरसाइज कर रहा था, व्यायाम कर रहा था, और एक्सरसाइज करते करते उसकी एक ईंट ऊपर से नीचे गिरी। नीचे गिरी तो नीचे मुल्ला नसरुद्दीन, उसके सिर पे धड़ से ईंट पड़ी। उसने ईंट उठाई, बोले छोड़ूंगा नहीं तुझे। ईंट लेकर के पहुंचा छत पर, सीढ़ियों से चढ़ा, बोले आज तेरे हाथ पैर तोड़ के रहूंगा। जैसे ही दरवाजा खुला छत का, मुल्ला ने देखा है तो गामा पहलवान है। उसने कहा, क्यों रे, क्या बात है, क्या ईंट लेकर के आया, क्या चिल्ला रहा है तू? बोले, तो मेरा बाप है। उसने कहा, भाई साहब कुछ नहीं, वो ईंट आपकी गिर गई थी तो लौटाने आया, मालूम है कि हड्डी मछली तोड़ के रख देगा। ध्यान रखना, क्रोध हमेशा नीचे जाता है, क्रोध का स्वभाव भी नीचे जाना है और क्रोधी की दशा भी नीचे ही जाना हुआ करती है। मैंने उस बच्चे से कहा कि आज की मम्मियां जो पीटती हैं ना, पहले की जो मम्मी को गुस्सा आता था तो पनघट पे जाती थी, नदी में जाती थी, जितने घर के कपड़े हों सारा गुस्सा मोंगरी से पीट पीट कर कपड़ों पर निकाल दिया करती थी। और अब जब से तुम्हारे घर में वॉशिंग मशीन आ गई, अब कपड़े पे तो गुस्सा निकलता नहीं है। ले दे के बेचारा पप्पू बचता है तो वो मोंगरी की तरह पिटता, पहले पिटता था कपड़ा, अब पिटता है लड़का। ध्यान रखिए, क्रोध तो निकलेगा, हमेशा ध्यान रखना, जब भी जीवन में क्रोध आए अपने से बड़ों के सामने जाके खड़े हो जाना, जिससे तुम्हें डर लगता हो, जिसका तुम सम्मान करते हो, जिसका तुम बहुमान करते हो, क्रोध का पारा डाउन हो जाए।